राइट टू बी फॉरगॉटन, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर इसकी मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो मुझे भुला दिया जाना चाहिए, हाँ मुझे भुला दिए जाने का हक है, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे बारे में सब भूल जाए, ये मेरा हक है, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो ये एक ऐसी टर्म है जो कि डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ी हुई है, वरना असल में तो अगर आप राइट टू बी फॉरगॉटन बोल रहे हो तो ठीक है भाई, जा भूल जाते हैं तुझे, ऐसी क्या बात है, लेकिन इंटरनेट में इन द वर्ल्ड ऑफ सर्च जायंट्स लाइक गूगल, बिंग, जो कुछ भी एक बार वहां पर चढ़ जाता है वो कभी डिलीट नहीं होता, हमेशा चढ़ा रहता है। लेकिन कई सिचुएशन में ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर एक कोई भी आदमी, लेट से मान लो किसी ने कोई कांड करा हो और अब से 5 साल बाद वो कहेगा कि भैया मुझको अपने इस कांड की इंफॉर्मेशन डिलीट करवानी है। सो लेट से एक इंसान है, उसने कोई जुर्म किया, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, उसने वो जुर्म किया, वो जुर्म पकड़ा गया, इंटरनेट पे अवेलेबल है कि हाँ भाई फला नाम के बंदे ने किसी जगह ऐसा जुर्म किया, ऐसा गबन किया, ऐसा कांड किया, वो पास्ट बैड डीड की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब उस आदमी को उसकी सजा मिली, 2-4-5 साल बाद भी वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमेशा रहती है। अब वो इंफॉर्मेशन रोक रही है उस इंसान को, बदनाम कर रही है जिंदगी भर के लिए, वो इंसान दोबारा कुछ और नए तरीके से शुरू नहीं कर पा रहा, एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहा। जब भी कोई नया काम खोलने की शुरुआत करता है, कोशिश करता है, तो लोग आजकल तो सब इंटरनेट पर सर्च करते हैं एक दूसरे को, उसके बारे में वो उसकी पास डीट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और वो इस चक्कर में कुछ शुरू नहीं कर पा रहा है। भले ही उसको सजा मिल चुकी है उसको उसके पुराने काम की, लेकिन फिर भी वो आगे काम नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से इस टर्म का इजाद हुआ, राइट टू बी फॉरगॉटन। तो इसका मतलब ये है कि कानून है कि अगर एक रिक्वेस्ट कोई करे इन सर्च इंजन, इन जायंट्स के साइड, इंटरनेट को बेसिकली यही चला रहे हैं, इंटरनेट में सब कुछ जो है यही ढूंढ ढूंढ के देते हैं, तो ये राइट, ये हक देता है कि आप एक जेन्युइन केसेस में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल ले, इसका मतलब ये नहीं है कि विजय माल्या गूगल को रिक्वेस्ट डाल दे कि मैंने जितने भी पैसे चुराए हैं, जितना भी गबन किया है, वो इंफॉर्मेशन डिलीट कर दो, ऐसा नहीं होता। गूगल और जितने भी दूसरे सर्च जायंट्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं, एंड दे हैव ऑल द राइट्स, ऑल द रिसोर्सेज टू वेट एवरी इनकमिंग रिक्वेस्ट वेरी केयरफुली दैट वेदर दे शुड एंटरटेन इट और नॉट, और ज्यादातर केसेस में तो वो उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन ये राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब बस ये है कि इसके जरिए आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके बारे में जो भी इंटरनेट पर जानकारी है वो डिलीट कर दीजिए। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वो गूगल या सर्च जायंट्स वगैरह कंसिडर करते हैं, लीगली कंसिडर करते हैं। अगर आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, बहुत पैसा आपके पास, तब भी जरूरी नहीं है कि आप यहां पर ये सर्च जायंट्स को इन्फ्लुएंस कर दें, लीगली भी ज्यादातर इन केसेस में कुछ हो नहीं पाता है। तो ये था राइट टू बी फॉरगॉटन। दोस्तों कई केसेस में राइट टू बी फॉरगॉटन को राइट टू प्रिवेसी से कई बार मैच किया जाता है, हालांकि ये दो टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं। राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, राइट टू प्रिवेसी मतलब आपके बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है विच इज वेरी पर्सनल टू यू, विच शुड नॉट बी नोन बाय एनी थर्ड पार्टी, बाय एनी अदर पर्सन, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो तो होता है राइट टू प्रिवेसी, मतलब आपके पास ये हक है कि आप ये इन्फॉर्मेशन किसी को ना बताएं, किसी को ना पता लगने दें, और अगर किसी ने पता लगा भी लिया है गलत तरीके से तो आप कानूनन उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा केस है जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसका मतलब यह है कि आप उस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समझते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन इज अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन विच वॉज नोन और विच इज नोन बाय द पब्लिक, राइट, and then you are requesting to have that information deleted, whereas right to privacy is about that information which is not known by the public, which is not known by anybody, and in case if it gets leaked, if somebody captures it by doing some by following some illegal unfair practices, then you have all the right to get that information deleted legally। तो ये फर्क है। तो दोस्तों ये था राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मैं इस तरीके की जानकारी वाले वीडियोस बनाता रहता हूं। मुलाकात होगी अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।